नमस्कार दोस्तों, अनपुर नर्सरी चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन टमाटर की सब्जी, जो खाने में टेस्टी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब कोई सब्जी समझ में ना आए तो आप ये सब्जी झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 2 पिंच के करीब डाल देंगे हम हींग। हींग और जीरे को हम अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। मैंने 2 प्याज 2 हरी मिर्च लिए, जिसे बारीक कट कर कर लिया है, और इसे हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें प्याज को भूनना है। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लहसुन अदरक को कूट कर लिया है, आप इसके अंदर पेस्ट भी डाल सकते हैं, और इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, लहसुन और अदरक हमारी अच्छे से भून गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टमाटर बारीक कटे हुए, और इन्हें भी हम चलाते हुए मिक्स करते हुए भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, टमाटर जो है हल्का सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1/2 चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लाल कश्मीरी मिर्च। फ्रेंड, ये तीखी नहीं होती है, पर इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच ही हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। साथ में डाल देंगे 1/4 चम्मच ही गर्म मसाला, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/4 चम्मच ही डालना है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हमें मसालों को भूनना है। देखिए मसाला हमारा भुन गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप बाजार की ये सेव। मैंने ये बाजार की सेव ली है, ये सेव आप घर में भी बना सकते हैं। इसकी सब्जी फिर बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। कोई गेस्ट आए तब भी आप इस सब्जी को झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए सेव को मैंने मसाले के अंदर 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 गिलास पानी। सब्जी को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि ये सब्जी ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं सेव जो है वो थोड़ी फूल भी गई है। और सेव डालने के बाद हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। मैंने 1 गिलास पहले डाल दिया था, 1 गिलास अब डाल दिया है, और अब हम इसे 1-1.5 मिनट तक पका लेंगे। देखिए सब्जी को पकते पकते 1 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। मैंने रोस्टेड कसूरी मेथी ली है, इसकी जगह आप हरा धनिया भी ले सकते हैं। कसूरी मेथी को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 30 सेकेंड और पका लेंगे। हमें सेव को फ्रेंड ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये घुल जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो थोड़ा कम ही पकाएं ताकि सब्जी खाने में अच्छी लगे। ये सेव जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। इसे आप पूड़ी, चपाती, राइस जैसे चाहे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी चटपटी सी सेब की सब्जी तैयार है, खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी यह सब्जी कैसी बनी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।